साल 1910 ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था, जिसमें खास तौर पर बुलाया गया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को। जॉर्ज पंचम यह जानता था कि बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी माँ करनी के बड़े भक्त हैं, क्यों ना इस बार इनकी परीक्षा ली जाए। जॉर्ज पंचम ने एक पिंजरा मंगवाया और जिसमें एक खूंखार शेर दहाड़ मार रहा था। जॉर्ज पंचम ने महाराज को चुनौती दी कि यदि आप इस शेर से लड़ते हो तो आपकी वीरता को मानेंगे। महाराज ने भी इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और माँ करनी को हाथ जोड़े और याद करते हुए पिंजरे में चले गए। भूखे शेर ने जैसे ही महाराज को देखा तो दहाड़ने लगा। जैसे ही शेर ने महाराज पर हमला किया, महाराज गंगा सिंह ने दोनों हाथों से शेर के जबड़े को पकड़कर चीरकर वहीं मार डाला। जब उन्होंने शेर से युद्ध किया तब पूरे दरबार में चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस चमत्कार को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सभी लोगों को यह समझ आ गया कि माँ करनी ने खुद युद्ध लड़कर महाराजा गंगा सिंह के प्राण बचाए हैं। ब्रिटिश की महारानी ने खुद को इस गलती के लिए माफी मांगी थी। कहते हैं कि महाराज बीकानेर से देशनोक पैदल चलकर जाते थे और करनी माता के मंदिर में अपने हाथ पर ज्योत करते थे, जिससे प्रसन्न होकर माँ करनी उन्हें दर्शन देती थी। यह तो हुई वीरता की बात, आइए जानते हैं उनका जीवन परिचय और इस देश व राज्य के लिए उनका योगदान। 13 अक्टूबर 1880 को बीकानेर में इनका जन्म हुआ। पिता लाल सिंह की तीसरी संतान थे। साल 1887 में बड़े भाई डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद मात्र 7 साल की उम्र में महाराज बने। साल 1894 से 1898 के बीच उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण मिला। 1898 में गंगा सिंह को फौजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए देवली रेजिमेंट भेजा गया, जो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल बेल के अधीन देश की सर्वोच्च मिलिट्री प्रशिक्षण रेजिमेंट मानी जाती थी। साल 1888 से लेकर 1943 तक बीकानेर रियासत के महाराज रहे। लंबी कदकाठी, लंबी मूछें, गठीला शरीर, इनकी वीरता के साथ इन्हें जाना जाता है कलयुग के भागीरथ के रूप में। जब 1899 में राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। तालाब और कुबेर सूख चुके थे। लोग अनाज के एक एक दाने के लिए तरस गए थे। हजारों लोग भूख के कारण दम तोड़ने लगे। उस समय महाराजा गंगा सिंह केवल 19 साल के थे। राजा बनने के बाद यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस काल को छप्पनिया काल कहते हैं। कहते हैं कि उस जैसा अकाल आज तक नहीं पड़ा। महाराजा गंगा सिंह इस समस्या का एक स्थायी समाधान चाहते थे। गंगा सिंह के मन में यह विचार आया कि राजस्थान में एक नहर बनवाई जाए। इसके बाद उन्होंने चीफ कंवर सेन से इस बारे में बात की। तब कंवर सेन ने उन्हें बताया कि यदि पंजाब सतलुज नदी का पानी देने के लिए तैयार हो जाएगा तो राजस्थान में नहर बनाई जा सकती है। उस जमाने में नहीं तो अच्छी मशीनें थी और ना ही अच्छी टेक्नोलॉजी। भयानक गर्मी और लू के थपेड़े मजदूरों और जानवरों के काम करने में सबसे बड़ी समस्या थी। अंग्रेज भी यह नहीं चाहते थे कि राजस्थान में कोई नहर आए, लेकिन गंगा सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने पंजाब से बातचीत करके राजस्थान को पानी देने के लिए मना लिया। साल 1921 में गंग नहर की नींव रखी गई। इस नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन से करवाया ताकि अंग्रेज नहर के काम में कोई बाधा न डाले। कड़ी मेहनत और प्रयास से महाराजा गंगा सिंह बीकानेर तक नहर लाने में सफल रहे। महाराजा गंगा सिंह ने नहर के आसपास के क्षेत्र को लोगों को खेती करने के लिए मुफ्त में जमीन दे दी। खाली बंजर भूमि में पानी आने से यहाँ पर बाहर आ गई। खेत खलियान हरे भरे दिखाई देने लगे। लोगों के मन में अकाल का डर खत्म हो गया। गंग नहर राजस्थान की पहली नहर थी। इसके बाद महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाने लगा। महाराजा गंगा सिंह के शासन में हर काम बहुत ही अनुशासन से हुआ करता था। 1894 में उस समय भी इन्होंने PWD जैसा सिस्टम बना रखा था। साल 1891 में महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को रेलवे से जोड़ने का काम शुरू किया।
रतनगढ़ से लेकर कई शहरों को रेलवे से जोड़ने का काम उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अपने राज्य की रक्षा के लिए इन्होंने ऊंटों की एक बड़ी सेना तैयार की थी। इस सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। ऊंटों की सेना ने पहले और दूसरे विश्व युद्धों में हिस्सा लिया था। इसी गंगा रिसाला ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी BHU को बनाने के लिए 1916 में महाराजा गंगा सिंह ने सबसे अधिक पैसा दिया था। महाराजा गंगा सिंह आजीवन इस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। उन्होंने 1899 में चीन में हुए बक्सर विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। यह एकमात्र ऐसे राजा थे जो काशी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। यदि महाराजा गंगा सिंह नहीं होते तो राजस्थान आज भी प्यासा और बंजर रह जाता। उस समय जब लोगों को यह पता ही नहीं था कि नहर क्या होती है, उस समय महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के लिए नहर बनवा रहे थे। राजस्थान में आज उनके नाम पर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और नहरें बनी हुई है। बीकानेर के राजघराने में सबसे अधिक सम्मान महाराजा गंगा सिंह को दिया जाता है। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राजघराने की कुलदेवी माँ करणी के परम भक्त थे। माँ करणी के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने ही करवाया था। इस मंदिर पर चांदी के दरवाजे लगाए थे और चूहों के प्रसाद के लिए चांदी के बड़े बड़े थाल बनवाए। साल 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने रामदेवरा में लोक देवता रामदेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। लोक देवता जाहरवीर गोगाजी की मेड़ी को भी सुंदर बनाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को ही जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर की खूबसूरती में चार चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों का एक सुंदर पैलेस भी बनवाया, जिसे लालगढ़ पैलेस कहा जाता है। जब 1894 में राजस्थान में बड़ी ग्रेनाइट खान के होने का पता चला तो 1896 में महाराजा गंगा सिंह ने उस खान से ग्रेनाइट कोयला निकलवाने का काम शुरू करवा दिया, ताकि इस रियासत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। 1894 में महाराजा गंगा सिंह ने किसानों से लगान लेने की सीमा को तय कर दिया, ताकि किसानों के शोषण को रोका जा सके। उन्होंने बीकानेर में जेल सुधार और न्याय के कार्य भी करवाए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देश एक जगह पर एकत्रित हुए ताकि इस खून खराबे को रोका जा सके। साल 1919 में हुए इस पेरिस शांति सम्मेलन में रियासतों की तरफ से केवल एक राजा को बुलाया गया था और वह थे महाराजा गंगा सिंह। इसके बाद 1930, 1931 और 1932 में हुए तीन गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भी वे इकलौते राजा थे। महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1931 में स्थापित नरेंद्र मंडल के वह पहले अध्यक्ष बने थे। 1918 में इन्हें पहली बार 19 तोपों की सलामी दी गई और 1921 में दो साल बाद इन्हें अंग्रेजी शासन द्वारा स्थायी तौर पर 19 तोपों की सलामी योग्य शासक माना गया। गंगा सिंह जी के राज को बीकानेर के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। आज भी गंगा सिंह को बीकानेर के हिंदू और मुस्लिम पूजते हैं। जीवन में हर लड़ाई जीतने वाले महाराजा गंगा सिंह 1943 में कैंसर की जंग हार गए। कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके बेटे साधु सिंह जी को रियासत का राजा बनाया गया। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के इतिहास में गौरवशाली राजाओं में गिने जाते हैं और इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस खबर में इतना ही। इतिहास से जुड़ी और भी खबरों के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक शुक्रिया।